आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने एक बार फिर से भारतीय विश्वविद्यालयों की टॉप 10 सूची में अपनी जगह बनाई है। आपको बता दें कि रैंकिंग एजेंसी यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड की ओर से जारी ताजा रैंकिंग में एएमयू को भारतीय विश्वविद्यालयों की सूची में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। एएमयू के प्रोफेसर तारिक मंसूर कुलपति ने छात्रों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि यह सभी के मिले जुले प्रयास का नतीजा है। छात्र किसी भी संस्था के लिए रीढ़ की हड्डी होता है, अच्छी मेहनत करेंगे तो एएमयू को नंबर एक पर पहुंचाने में कोई कसर भी नहीं छोड़ेंगे। ऑल इंडिया टॉप 10 यूनिवर्सिटी की लिस्ट जारी हुई है, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को चौथा स्थान मिला है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए और यहाँ के तमाम अध्यापकों के लिए और यहाँ की तमाम फैकल्टीज़ के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने टॉप 10 यूनिवर्सिटी की लिस्ट में चौथी रैंक हासिल की है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वो लोग कहाँ हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बार बार टारगेट कर रहे थे, जो कह रहे थे कि ये देशद्रोही है, यहाँ आतंकवादी रहते हैं, यहाँ बम बनते हैं, यहाँ हथियार बनते हैं। अब वो लोग कहाँ हैं? वो अब ये जो मुकाम है ये उनके डूबने का मुकाम है। अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चौथी रैंक हासिल ना करती तो शायद फिर ये एलिगेशन लगाया जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऊपर कि इन लोगों ने कि ये आतंकवादी की पढ़ाई होती है, कि यहाँ पे धर्म को लेकर ये होता है। जबकि मोदी जी साफ साफ कह चुके हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो भारत की संस्कृति का एक अलग अहम स्थान है। देखिए, जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपनी सेंटेनरी सेलिब्रेशन कर रहा है, उसमें एक और खुशनुमा खबर इससे जुड़ गई है। यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रैंकिंग ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो फोर्थ रैंक पे इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में पैदान पे खड़ा किया है। हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर साहब ने स्टूडेंट्स और टीचर्स के को मुबारकबाद दी है और कहा ये चीज़ें तभी संभव हो सकी हैं जो इन लोगों के अपने स्ट्रेंथ्स कोलैबोरेटेड एफर्ट से है। दूसरी चीज़, प्रोफेसर एस एम सालिम बेग चेयरमैन जो कमेटी के रैंकिंग में, उन्होंने कहा कि आप देख रहे हैं पिछले 2 साल से कि कंटिन्यूसली हर रैंकिंग एजेंसी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को हाई रैंक दिया है। तो ये बताते हैं कि एकेडमिक ग्रोथ जो है हमारी वो बहुत तेज़ी के साथ हो रही है और इसके लिए यहाँ के छात्र और टीचर मुबारकबाद के पात्र हैं। आपको बता दें कि एएमयू की जो रैंक है इसमें वो उसका बेसिस जो होता है वो उसे केयरफुली जो स्टडी करी जाती है, उसके कैलिब्रेटेड परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को कहते हैं। ये इंडिकेटर्स क्या हैं? ग्लोबल रिसर्च रेपुटेशन में होते हैं, रीजनल रिसर्च रेपुटेशन में होते हैं, साइटेशन नंबर ऑफ पब्लिकेशंस में होते हैं, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन रिलेटिव टू कंट्री होते हैं, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन नंबर ऑफ हाईली साइटेड पेपर्स होते हैं, परसेंटेज ऑफ टोटल पब्लिकेशन और मोस्ट हाईली साइटेड पेपर्स में होते हैं। तो इन बुनियाद में, मतलब इन कैलिब्रेटेड परफॉर्मेंस जो इंडिकेटर्स है इस पर दिया गया, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और आपको मालूम है, एक तरह हम कोविड की 19 की महामारी का सामना कर रहे हैं और हमारे जेएन मेडिकल कॉलेज जो है वो कोवैक्सीन का फेस ट्रायल 3 ट्रायल करके हिंदुस्तान के आवाम को, जनता को वो एक सौगात देने वाला है। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि हम लोग कहना चाहिए एक यूनिवर्सिटी जो है यूथ की एनर्जी को सिंक्रोनाइज करके एकेडमिक ग्रोथ के साथ मुल्क की ग्रोथ में अहम भूमिका अदा कर रही है।